नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सर्वेश आचार्य सक्सेना, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ न्यू क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद, ऑल्सो वर्किंग एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ENT हेड एंड नेक, फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62, नोएडा. I am here to discuss a very common cause of ear pain, earache called swimmer's ear. जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्विमर्स ईयर या आउटर ईयर का इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, मैं उसके बारे में बात करने के लिए हूँ यहाँ पर. हमारा कान के तीन पार्ट्स होते हैं. द आउटर ईयर जो कि बाहर कान से लेके ईयर ड्रम तक रन करता है. मिडिल ईयर जो ईयर ड्रम से लेके इनर ईयर के पार्ट में रन करता है. और इनर ईयर जो कि हड्डियाँ जहाँ सुनने की ख़त्म होती है वहाँ से लेके अंदर सुनने के सिस्टम तक करता है. इनर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन ओनली. स्विमर्स ईयर या ओटाइटिस एक्सटरना इज ए पार्ट ऑफ इन्फेक्शन विच अकर्स ओनली इन द आउटर ईयर. इसको बोलते हैं यहाँ, यानी कि इस कार्टिलेज से लेके आपके ईयर ड्रम के पहले के जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम स्विमर्स ईयर. कॉजेज़ क्या होता है? सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कान में चला जाता है, आपके कान में दर्द या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है. फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. वायरल इन्फेक्शंस यूजली कम पाए जाते हैं इसमें. सिम्टम्स क्या होते हैं आपके? अगर जनरली डॉक्टर इसको दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, माइल्ड एंड माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन. माइल्ड टू मॉडरेट में क्या होगा? आपको कान में खुजली होगी, बाहर से कान लाल दिखाई पड़ सकता है, कान में भारीपन लगेगा, कभी कभी थोड़ा बड़ा फ्लूइड हो सकता है. बट यही इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं होता है तो इट कैन प्रोग्रेस टू सीवियर फॉर्म, जिसमें यही सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा, आपके कान में स्वेलिंग ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, रेड दिखेगा कान, फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है, पस ज़्यादा बन गया तो कान बंद हो जाता है, सुनने की दिक्कत शुरू हो जाती है. और इससे भी सीवियर अगर इन्फेक्शन होता है तो दिस पेन कैन रेडिएट टू द नियर बाई स्ट्रक्चर्स. आपके सर, आपके जबड़े, आपके कान, आपके गले तक पेन आता है. और कभी कभी यहाँ पर लिम्फ नोड्स निकल आते हैं, जिनको ग्रंथियाँ बोलते हैं. लिम्फ नोड्स भी यहाँ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सूजन भी हो सकती है. आप जब खाएंगे, चबाएंगे या इवन कान भी टच करते हैं तो आपको कान में दर्द शुरू हो जाता है. ये सीवियर फॉर्म में आता है. कब दिखाएंगे डॉक्टर को? जैसे ही आपको सिम्टम्स होते हैं, आपको लगता है खुजली शुरू हो गई है, आपको दर्द शुरू हो गया है, जो दर्द बढ़ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे, इलाज कीजिए. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इट्स ए वेरी पेनफुल कंडीशन. ये अपने आप से नहीं जाती. आपको बहुत 90% टाइम्स आपको इसमें एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है. इसके अंदर कैसे हो जाता है, आई मस्ट एक्सप्लेन यू. हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल डिफेंसेस होते हैं जो कान को इतनी जल्दी इन्फेक्शन से होने नहीं देते हैं. कान बिल्कुल ओपन रहता है, धूल मिट्टी पानी लगता ही रहता है. बट कान में इन्फेक्शन हर किसी के तो नहीं हो जाता या हर समय तो नहीं हो जाता है. कैसे होता है? एक बड़ा कॉमन सी कारण है वैक्स. एवरीबडी नोज कि कान में वैक्स है, वैक्स को लोग बुरा मानते हैं. ऐसा नहीं है. वैक्स इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर योर बॉडी. वो एक थिन सिक्रीशंस की लेयर बना देता है कान के अंदर, एक वाटरप्रूफ लेयर बना देता है, जिससे कान के अंदर पानी अगर जाता है तो वो कान को ख़राब नहीं कर पाता है. इसके साथ ही क्योंकि वो एक लेयर सी कोटिंग बना के रखता है कान के अंदर, तो कोई भी बैक्टीरिया या फंगस उसको डायरेक्टली एनक्रोच नहीं कर पाता है. सो फ्रेंड्स, वैक्स इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर यू. हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा वैक्स इकट्ठा हो गया तो खुद ही वो कान को बंद कर देता है, तो आप परेशान हो जाते हैं. सेकेंडली, हमारी कान के अंदर कार्टिलेज होता है. ये जो हमारी बोन होती है, इसको सॉफ्ट हड्डी बोलते हैं. ये कार्टिलेज होता है, ये काफ़ी सख्त होता है. ये कान के इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है. दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है. एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारे कान का स्ट्रक्चर आप सोचते हैं कि बिल्कुल सीधा होता है, ऐसा नहीं होता. हमारी कान की कैनाल इस तरह से होती है, इस तरह शेप में होती है. तो इट इज़ नॉट समथिंग कि आपके कान में कुछ भी गया और वो सीधे कान में चले जाए. उसको जाने के लिए ऐसे टॉर्चुअस ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है. तो एकदम से कोई भी चीज़ कान में सीधे नहीं जा सकती है. ये नेचुरल है, जो डेवलपमेंट के साथ ओवर द क्रोर्स, आई वुड से ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स कान में डेवलप हुए हैं. ना इन्फेक्शन होता है तो होता कैसे? इसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो जाता है. कैसे हो जाता है? सबसे पहला कारण होता है एक्सेस मॉइस्चर. जनरली आपने नोटिस किया होगा कि इन्फेक्शंस बारिश के सीज़न में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर होती है. बारिश के सीज़न में होगी, या फिर वहाँ पर जहाँ पर बीचेज़ हैं, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ तालाब ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों को कान के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं. सेकेंडली, स्क्रैचेस करने से. आप कान में खुजली ज़्यादा करते हैं, स्क्रैचेस ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है, वो जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है हमारे कान का, वो हट जाता है. तो उसमें छोटी छोटी ब्लीडिंग हो जाती है और उसके ऊपर बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर जाते हैं उसके अंदर. थर्ड होता है सेंसिटिविटी रिएक्शन. वो कैसे हो सकता है? आपने कुछ हेयर कलर लगाया है जो कुछ कान में चला गया और उससे आपको सेंसिटिविटी हो गई, आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली कान के अंदर जिससे आपको सेंसिटिविटी हो गई और उसके रिस्पॉन्स में एलर्जी रिएक्शन हो गया। कोरोना के बाद सबका काम ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ईयरफोन्स हेडफोन्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, उसके बिना किसी की ज़िंदगी नहीं चल सकती, विच आर एक्चुअली अ वेरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ईयर इन्फेक्शंस। आपकी ईयरफोन्स हेडफोन्स आप उतारते हैं, आप बैग में रख दिए, कुछ लोग बैग में भी नहीं रखते, टेबल पे छोड़ दिए, टेबल से उठ के वो नीचे गिर गए, खाना रखा है उसके ऊपर पड़ गए। दे कैन कैच इन्फेक्शन फ्रॉम एनीवेयर। आपने बिना क्लीन किए आपने दोबारा से कान पे लगाया, आप इन्फेक्शन बहुत आराम से कैच कर सकते हैं अगर आपके कान की प्रोटेक्टिव लेयर कहीं से ब्रेक हो चुकी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, दिस इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कमिंग अप। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्विमिंग कर लेना, पानी में जब जाते हैं अगर आपने कान पहले से डॉक्टर को नहीं दिखाया है और कान में आपके वैक्स है या पहले से इन्फेक्शन लगा हुआ है और आप स्विमिंग करने चले गए तो नेचुरल सी बात है आप कान में इन्फेक्शन पकड़ लेंगे। जो बैक्टीरिया है वो जा रहे हैं कान के अंदर। आप बहुत एग्रेसिवली कान को क्लीन करते हैं, इतना आपने क्लीन कर लिया कि कान को अपने रगड़ के उसके अंदर जख्म कर दिए, सीधी सी बात है आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सर्टेन डिवाइसेस, जैसे मैं अभी ईयरफोन हेडफोन की बात कर रहा था, कुछ एल्डरली लोग होते हैं जो हियरिंग एड भी यूज़ करते हैं, हियरिंग एड भी ऐसे ही आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं क्योंकि आप डेली रात को निकाल के रखते हैं और दोबारा पहनते हैं और अगर आपने क्लीन करके नहीं पहने हैं, आपने सैनिटाइजेशन का नहीं ध्यान रखा है तो कान में इन्फेक्शन आप पकड़ लेंगे। अगेन स्किन एलर्जीज, अगर आपकी स्किन एलर्जी है आपको तो आप नेचुरली बाकी लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? टेम्परेरी हियरिंग लॉस नंबर 1 है, टेम्परेरी हियरिंग लॉस। कान में जब सूजन आ जाती है, कान में मवाद भर जाता है, आपको कुछ देर के लिए सुनना बंद हो जाता है। ऑल दैट्स अ टेम्परेरी थिंग, बिलीव मी इट्स अ टेम्परेरी थिंग। एक बार जब इलाज करते हैं, पास निकल जाता है, आपका सब कुछ नॉर्मल बैक टू आ जाता है। कुछ लोगों में जिनकी टेंडेंसी होती है, जिनको सेंसिटिव स्किन होती है या जिनको बार बार खुजली करने की आदत होती है या जिनका पानी में जाने का ही काम है, उनको लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो सकता है जिसको क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटरना बोलते हैं। हाँ, इसमें उन लोगों को भी एलर्जी हो सकती है जिनको डायबिटीज़ है या जो थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति थोड़ी सी कम है, उनको क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाती है, जिसके लिए आपको रेगुलरली कुछ ईयर ड्रॉप्स या रेगुलरली ईयर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन आता है डीप इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन यहाँ तक है तब तो ठीक है, बट अगर इन्फेक्शन इसके बियॉन्ड, जैसे मैंने बताया था, स्किन और कार्टिलेज को पार करके अगर वो बोन तक पहुँच गया तो उसको बोलते हैं बोन इन्फेक्शन या फिर मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटरना, कि वो आपकी बोन में इन्फेक्शन घुस गया और बोन को भी गला सकता है। केसेस मिलते हैं, कुछ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अगेन कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। उस केस में फिर हमें सर्जिकल अप्रोच भी अपनानी पड़ती है और फिर हमें पूरी गली हुई हड्डी निकालनी भी पड़ती है पेशेंट की जान बचाने के लिए, क्योंकि कान कहाँ पर है? कान के आसपास ब्रेन और ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं, जो अगर इन्फेक्शन उन तक पहुंच गया तो ये आपकी पूरी बॉडी को ओवरऑल काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। अगेन ब्लड सप्लाई में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो कान तक ही नहीं रहेगा, वो सिस्टमिकली भी हो सकता है। आपको फीवर आ सकता है, आपको दौरे पड़ सकते हैं, आपको और परेशानी हो सकती है। तो कान की इन्फेक्शन को हल्के में तो आप बिल्कुल ना लें। प्रिवेंशन, नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं? सबसे पहला कान है, कान को बिल्कुल सूखा रखिए। जब भी आप स्विमिंग करने जा रहे हैं एडवाइजेबल बिल्कुल यही है कि जब आपका स्विमिंग सेशन शुरू हो रहा है, साल भर तो स्विमिंग नहीं करते हैं, अगर आप स्विमिंग सेशन शुरू हो रहा है उससे पहले आप कान के डॉक्टर को विजिट करके कान चेक करा लें। अगर उसमें कुछ गंदगी है साफ़ करा लें, कुछ इन्फेक्शन है पहले ही ड्रॉप शुरू कर दें आप, ताकि आपको आगे नौबत ही ना आने पाए। और जब आप स्विमिंग करके आ रहे हैं, हल्का सा ईयरबड से, बिल्कुल ड्राई ईयरबड से कान को साफ़ कर लें। अगर लगता है बहुत ड्राई से प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़ा सा स्पिरिट में वेट करें या आजकल जो सैनिटाइज़र चल रहे हैं उनसे वेट करें और उससे हल्के से कान को क्लीन कर लें, काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं तो और रेगुलर स्विमिंग आपको करनी है तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स दे देंगे। अगर आप स्विमिंग रेगुलरली कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार उन ड्रॉप्स को कान में डालिए और आपकी कान के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। घर पे क्या कर सकते हैं? घर पे अगर आपके, हाँ एक चीज़ और है कि अगर आपके कान के ड्रम में परफोरेशन है, जिसको CSOM या ASOM बोलते हैं, कान के ड्रम में अगर परफोरेशन है, ऐसे लोगों को स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कान में जहाँ पानी गया आपके कान से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा और विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट और करना पड़ता है। स्विमिंग करने आप जब भी जाएँ, स्विमिंग में आप देख लेंगे अगर आपको फीवर नहीं है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, तभी आप स्विमिंग करने जाएँ। और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? कान के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने से या कुछ भी ईयरफोन्स हेडफोन्स जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए। छोटे वाले ईयरबड्स अगर अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेबली बड़े वाले हेडफोन्स पहन लें। हालांकि मैं एडवाइस तो उसके लिए भी नहीं करूँगा, बट अगर मजबूरी है तो वो करें। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि स्पीकर पे काम हो सकता है तो इवन बेटर स्पीकर पे काम कीजिए। कान के आसपास इरिटेंट मत लगाइए। हेयर डाई कोई ऐसी जिससे आपको एलर्जी है वो मत लगाएं। मेकअप का सामान कान से दूर रखें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जो भी ज्वेलरी पहन रही हैं आप ऐसी पहनिए जिससे आपको लगता है कि कान को नुकसान ना होने पाए। अगर आपकी सर्जरी हुई है या अगर आपका कान का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप कान का ज़्यादा ध्यान रखें। कान के आसपास पानी को बिल्कुल लगने ना दें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पानी में जाना किसको नहीं अच्छा लगता। वी ऑल ह्यूमन्स आर वाटर बेबीज़। स्विमिंग करना सबको पसंद है, पानी में जाना सबको पसंद है, लेकिन जो भी आप करें अपनी कान की हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रख के करें। थोड़े से प्रिकॉशन करेंगे, थोड़ी सी सेफ्टी रखेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।